आगे अब जरा बात करते हैं हदबंदी की, डिलिमिटेशन। परिसीमन कमीशन का मिशन कश्मीर कल से शुरू होने जा रहा है और 6 तारीख से 9 तारीख तक, यानी 6 जुलाई से 9 जुलाई तक कश्मीर और जम्मू के अंदर रहेंगे, जहां पर मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नरों की के साथ बातचीत होगी और सियासी जमातों के लीडरों को भी मधु किया गया है बातचीत के लिए। लेकिन इस बातचीत से पहले सख्त तेवर कर दिए हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुटका डिक्लेरेशन ने, जिनकी कल रात देर गए मीटिंग हुई थी और आज मीटिंग के बाद जो बयान जारी कर दिया गया है उसमें कड़े तेवर दिखाते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि मरकजी सरकार क्या कुछ करना जा रही है उसका वो हिस्सा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि CBM पहले उठाया जाए। यानी बड़ी खबर, एक तरफ से कल से मिशन कश्मीर, 6 से 7 तारीख यानी 6 और 7 तारीख को कश्मीर, 8 और 9 तारीख को जम्मू, उसके बाद एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपने की बात भी सामने रखी जा रही है। रहमत कलीम के पास सीधे चलते हैं। रहमत, जरा अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ ताजा तरीन खबर है और सियासी पंडित इस मिशन को कैसे देख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, इस कमीशन की आमद से पहले ही सियासी गहमागहमी जारी है। देखा जा रहा है कि क्या तस्वीर बदलेगी, क्या रुख इख्तियार किया जाएगा। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर की जो मेन दो बड़ी पार्टियां हैं अभी भी कन्फ्यूजन में है, जो आवाम के सामने चेहरा पेश किया जा रहा है। सीधे तौर पर जराए से जो खबर मिली है कि NC और PDP की तरफ से शायद इस मीटिंग में जाने का नया ऐलान किया जाए, लेकिन अंदरूनी खाना कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। इस बीच अपनी पार्टी की तरफ से और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से साफ तौर ऐलान कर दिया गया है कि वो जरूर शामिल हो रहे हैं, BJP की तरफ से शमूलियत इख्तियार की जाएगी। लेकिन दो दिन कश्मीर के अंदर इन दो चार दिनों के दौरे में साफ तौर पे एक नए कश्मीर की तस्वीर रखी जाएगी और पेश किया जाएगा। 20 अजला के हुकाम के साथ भी बातचीत होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इन तमाम लोगों से बात जरूर होगी। लेकिन आने से पहले ही सियासी गहमागहमी जारी है। सबकी नजरें सिर्फ 3 से 4 जो बड़ी पार्टियां जम्मू कश्मीर की, उन तमाम पार्टियों के स्टैंड पर है। क्या वो जाती हैं, क्या वो बात रखती हैं, उन पार्टियों की तरफ से क्या बातें रखी जाती है, क्या वो जो तब्दीलियां होने वाली उन तब्दीलियों को कबूल करने के लिए तैयार है या नहीं। अभी जो तस्वीरें बन रही है उसमें बहुत हद तक 2 से 3 पार्टियां ऐसी हैं जो तब्दीलियों के इस नए अंदाज को कबूल करने के लिए जाहरी तौर पर तैयार नहीं हो रही है, लेकिन अंदरूनी खाना कुछ और पक रहा है और इस पक के निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 से 3 दिनों में। जैसे यह दौरा शुरू होगा उसके शाम तक या अगले दिन तक के कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें कश्मीर से देखने को मिलेगी और कश्मीर की पार्टियों के खेमे से, जो अपने आप में हैरान कन होगी और फिर यकीन करने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि एक नए कश्मीर का। अच्छा जी, ये भी बता दीजिए कि सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर से राबता किया है या उन अफसरों से राबता किया है जिनसे टाइम मांगा गया है कश्मीर के अंदर, और जम्मू के अंदर भी इसी तरीके की सिचुएशन है। और उसमें अक्सर जमात जो बड़ी जमात है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, जिन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से अपने जोमाओं को कहा है कि वो जाकर अपनी बात रखे। तो क्या मैं ये मानूं कि पार्टियां अगर बड़ी पार्टी नहीं भी जाए लेकिन नीचे खाने जो उनका काडर है उनके लिए छूट है, वो जा सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं, ताकि अगर कभी चुनाव आगे होने हैं तो उसमें कोई ऐसी परेशानी उन्हें ना उठानी पड़े जो 1995-96 में बहुत सारी पार्टियों को उठानी पड़ी। ये देखिए इशफाक, ये छूट नहीं है बल्कि ये बाजाबता तौर पर अंदरूनी खाना हिदायत की गई है। मकामी सतह पर मकामी कैडर से कहा गया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के DC से मिलकर के अपनी बात रखें। हर पार्टियां अपने तौर पर ग्राउंड जीरो को मजबूत रखना चाहती है और अपने हक में किसी भी नाइये से करना चाहती है। इसलिए जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही है कि कुछ पार्टियां बायकॉट कर सकती है, कुछ पार्टियां शामिल नहीं हो सकती हैं, अंदरूनी खाना वो पार्टियां बहुत कुछ करती हुई ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। इसलिए कह रहे हैं कि तस्वीर बदली बदली नजर जरूर आएगी आपको। पहले दिन की मीटिंग का दौर जैसे खत्म होगा, दूसरे दिन में कश्मीर की मीटिंग शुरू होगी, पहले दिन ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंदरूनी खाना कुछ और पकाने की कोशिश की गई, दिखाने की कुछ और कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर के सियासी नए सियासी। शुक्रिया जी रहमत, मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ गुपकार अलायंस ने, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार एलानिया ने, पहले आप यह सुन लीजिएगा कि पीर को क्या कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हालिया ऑल पार्टीज मीटिंग से मायूस हुए हैं। पार्टी यानी अलायंस के तर्जुमान ने बाजाबता तौर पर बयान जारी किया, उसके बाद मीडिया से बात की, कहा कि मायूस हुए हैं क्योंकि मजकूरा मीटिंग के बाद एतमाद सादी के लिए मरकजी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सीधे चलते हैं जी, हमारे साथ रिटायर जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, मेंबर पार्लियामेंट है साउथ कश्मीर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स में गिने जाते हैं और काफी बेबाक अंदाज में बात भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया।
हफ्ता लगा ये जांचने में कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। नहीं, बात यह है कि जी जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई तो उसके बाद ही लाजमी था कि पीएचईडी की एक मीटिंग होती, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात थी महबूबा मुफ्ती साहिबा की, जिस वजह से वो शिरकत नहीं कर पाई और चंद ही दिनों में तो ये मीटिंग हो गई। और इस मीटिंग में तो खुलासा किया गया क्या बात हुई, क्या तवक्कात थी, क्या किस हद तक वो पूरी हुई या क्या नतीजा निकला। मसूद साहब ये बताइएगा कि जिस दिन मीटिंग हुई उसके बाद गालिबन सभी लीडर्स इंफरादी सतह पर मीडिया से गुफ्तगू करते रहे दिल्ली के अंदर, कश्मीर आते आते थोड़ा सा ट्यून चेंज जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली में जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो ट्यून था, वो ये बता रहा था कि वजीर अजम के साथ जो गुफ्तगू हुई है ये तो शुरुआत है, इब्तिदाए इश्क है, लड़ने के लिए अभी बहुत सारा वक्त चाहिए और हम बिल्कुल तैयार है। श्रीनगर आते आते ये हथियार डालकर ये आवाज बदल क्यों जाती है, ये समझ से बाहर है क्या श्रीनगर की हवा तासीर? जी पहले ही दिन ही जो हमारे तर्जमान आला है, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है दारगामी साहब, उन्होंने वाजह किया कि जो इकदाम उठाने जाने चाहिए थे इसके पस मंजर में, पहले मीटिंग के इकदाम में जो एजमाद साजी के वो नहीं उठाए गए और उसके साथ साथ जो उठाने चाहिए थे वो नहीं हुए, कोई एश्योरेंस हुई नहीं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बेबाक तरीके से बात की पहले रोज अवल ही, पहले दिन उन्होंने जब बात की उन्होंने कहा कि मैं जी सीपीआईएम की हैसियत से आया हूं, इंफ्रादी कैपेसिटी में उनका अपना वो था, क्योंकि पहले भी आपने इस बात को क्लियर किया कि गुपकार एयरलाइंस को दावतनामा नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे जा रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब लोगों ने बात की, सबने वजीर आजम की वाहवाही भी की और श्रीनगर आते आते सब लोग आज एक होकर ये कह रहे हैं हम तो मायूस है। देखिए गवर साहब, वो तो पहले ही दिन हमने क्लियर किया था कि हमें ये तो जो होस्ट है उसका प्रोगेट है वो किसको बुलाए और किस हैसियत में बुलाए जी, क्योंकि उन्होंने इंफरादी तौर पर मुद्दा किया था, इसलिए इंफरादी तौर पर ही लीडर गए वहां चल कुछ करने, और वहां भी और उसके फौरन बाद भी हमने कहा कि ये तो तकरीबन मायूसी का मामला है। देखिए डेढ़ साल के बाद ये एकदम कदम उठाया गया था और ये तवक्को की जाती थी कुछ एतमाद साजी का माहौल पैदा किया जाएगा, जैसे स्टेट का वादा बंद है, प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को उन्होंने वाजे किया है, उससे पहले पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट जो है वो रेस्टोर हो जाएगी, लेकिन वहां भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया बल्कि इसको एक मोनोलॉग बनाया गया, हर एक ने अपनी कहानी कही, हर एक ने अपनी अपना जो मामला थे जमीनी सतह के वो अपने अपने नजरे के मुताबिक कहे, लेकिन उसका जो हम पहले एक एक करके बात निकलेगा नतीजा निकला नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपने कहा कि हम जी वहां पर गए और वहां पर जो कुछ हुआ, आज आप ये कह रहे हैं परसों तो एक बात थी, एक हफ्ते में दूसरी बात आई, लेकिन जहां तक स्टेट हुड की बात है, वजीर आजम साहब का ट्विटर हैंडलर और वजीर दाखला साहब का ट्विटर हैंडलर, दोनों पे इस बात की वजाहत हो गई है कि हमने इंश्योर किया है कि प्रॉपर टाइम पर स्टेट हुड होगा, डिलिमिटेशन भी होगा, चुनाव भी होगा और स्टेट हुड भी मिलेगा, तो इस एश्योरेंस के बाद क्या कुछ आप चाहते थे? देखिए गवर साहब, वो क्या बात हुई प्रॉपर टाइम पर, 2 साल गुजर गए। दूसरी बात यह है कि अगर आप आसाम में इलेक्शन कर सकते हैं डिलिमिटेशन के बगैर, तो क्या वजह है कि यहाँ पर आप शर्त बनाते हैं डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के बारे में, ये जो आप सिलेक्टिवली ये आप फैसले करते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आपने स्टेट बनानी है तो रीऑर्गनाइजेशन एक्ट को रिपील करना होगा जो इस वक्त है, जो 2019 का, और आपको एक नया रीऑर्गनाइजेशन एक्ट लाना होगा, तो उसी में वजाहत होगी कि कितनी सीटें बढ़ेंगी और क्या डिलिमिटेशन का तरीका होगा। आप क्यों ये मिडवे में जा रहे हैं? डिलिमिटेशन क्यों, तो वजीर दाखला साहब ने 8 मिनट के अंदर अंदर जो बात और लॉजिक सामने रखा उसके बाद सभी लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए कि डिलिमिटेशन जरूरी है, क्योंकि लद्दाख की सीटों का मामला था और ये आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ कमिटमेंट्स है। देखिए डिलिमिटेशन जो हो रहा है वो रीऑर्गनाइजेशन एक्ट के तहत हो रहा है और ये यूटी असेंबली का हो रहा है। देखिए अगर आप वादेबंद है कि आप स्टेट देंगे तो इसमें इजलत क्या है? आप इलेक्शन कराइए, डिलिमिटेशन इंतजार कर सकती, जैसे मौखर आपने किया आसाम में, आप स्टेट रेस्टोर कीजिए। अच्छा मुझे बात ये बताइए ना, आज का एक्ट है, आज के एक्ट को जाना होगा, एक नए एक्ट को आना होगा, उसमें वजाहत होगी कि कितनी सीटें होंगी, कहाँ होगी और डिलिमिटेशन का क्या तरीकेकार होता है। आप मीडिया में क्या कर रहे हैं? देखिए हम गए थे, हम अभी आप मधु किया गया और हमारे पास एक ऑप्शन था और हम चाहते हैं कि पीस के लिए जो भी दरीचा हो, दरवाजा हो, जो भी खुले, हम उसका इस्तेमाल करें, लेकिन ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं वहाँ
बगैर कुछ उसका कोई नतीजा अखज किए हुए नतीजा बरामद किए हुए हम आगे पेश करते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टिंग मेंबर पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि जनाब हम कल जो मिशन शुरू होने जा रहा है डिलिमिटेशन का उसमें नहीं जाएंगे, हम बायकॉट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव को? कब कब कहा, किसने कहा? नहीं, मैं कह रहा हूं क्या मैं इसको ये समझूं आपकी तरफ से? नहीं नहीं नहीं, वादे वो बात अलग है। देखिए हमारा जो बुनियादी मौकफ है वो मौकफ ये है कि ये रिजॉल्यूशन एक्ट है, इसका सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने समाज के लिए भेजा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, हमें एहतराम को तो बेसिक है। लेकिन देखिए अगर ये हम एक्सरसाइज लें तो उस एक्सरसाइज का जो बुनियादी मौका वो तो अपनी जगह पर है। कोई चीज अगर आप जैसे हम कानून की लैंग्वेज में कहते हैं एज्यूमिंग डो नॉट एडमिटिंग है, तो उसके बाद मौकफ तो जरूर होगा कि मौकफ तो पेश किया जाएगा और जो भी बातें हैं वो तो होंगी, वो अलग बातें, लेकिन हम तो फंडामेंटल तो उसे इनहराव नहीं। ठीक है ना, फंडामेंटल बात तो ये तो एक तो नया नारा बना है, अब तो ये रहेगा, लेकिन क्या कल नेशनल कॉन्फ्रेंस डिलिमिटेशन के सामने जाकर बात अपनी रखेगी? ये बड़ा सवाल इस वक्त है। देखिए आप तवक्का है कि ये अपना जो बुनियादी मौकफ है वो रखते हुए देखिए रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, स्टेट आना है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जाना है, और आसाम में जो तो हुआ वही यहाँ पर क्यों नहीं रिपीट हो सकता, ये मौकफ रखते हुए बाकी जो भी मामला थे वो मामला सोच उनके जो उनकी नोट में लिया जा सकते हैं। दूसरे पुस्तक कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिलिमिटेशन के सामने? देखिए वो मैं उसके साथ बारे में मैं उत्सुक के साथ नहीं, मुझे इख्तियार है उसके बारे में बात करने का, वो तो फैसला लिया होगा, जो भी फैसला होगा आपके पास आ जाएगा। लेकिन बुनियाद ये है, देखिए अगर आपने शुरुआत की एक डायलॉग की तो डायलॉग को मुस्तकम करने के लिए आज आप जो एतबार के मामले हैं जो वो मजबूत कीजिए, वो मुस्तकम कीजिए। चलिए यानी ठीक है, मैं मसूदी साहब एक चीज और जरा वजाहत कर दूं ताकि जम्मू कश्मीर के नाजरीन को मेरी समझ आए बात को। बात अब ये है कि कल मिशन होगा जी डिलिमिटेशन का, नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी अपने मौकफ को रखेगी, ये बात तो क्लियर हो गई यहां तक। इसके साथ साथ थोड़ी देर पहले जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें डिलिमिटेशन के बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई थी, क्या मैं इसको टेक्टिकल मानूं, एक पॉलिटिकल स्टैंड मानूं? उसमें किसी तरीके की वजह नहीं है, सीधी सीधी बात सिर्फ और पार्टी का जो पार्टी का जो भी स्टैंड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अभी पार्टी ने तो कोई अभी आपके पास कोई आया नहीं, एलाइया या कोई बात नहीं आई। मैं कहता हूं कि मेरा जो हमारा बुनियादी मौकफ है वो बुनियादी मौकफ तो रहेगा ही रहेगा। देखिए जब तक आप इलेक्शन करेंगे तो ये डिलिमिटेशन किस लिए किस समझ में है? आपने वादे बंद है, आपने 15 अगस्त को लाल किले से कहा, आपने पार्लियामेंट में क्या ये बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो सीनियर मोस्ट कद्दावर नेता है उनकी तरफ से वजीर आजम साहब को कहा गया कि आपने जो डिलिमिटेशन किया इसको रोक दीजिए, ये गलत चीज है, इस अमल को रोक दीजिए वजीर दाखला साहब, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आपके साथ नहीं है, क्या ये बात दो टोक अल्फाज में वजीर दाखला साहब को कही गई? हमने अपने मक्तूब में वाजे किया है और हमने ये नहीं कहा कि हम जाएंगे नहीं, हमने कहा कि ये देखिए ये हमारे जो तहफुजात है, ये हमारे जो रिजर्वेशन है वो हमने मेरा सीधा सा सवाल था ऑल पार्टीज को लेकर जो मौकफ आज आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस मौकफ को लेकर वजीर दाखला साहब को कहा गया जब उसने 8-9 मिनट में ये कहा कि डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है? और बकौल गुलाम नबी आजाद साहब सब इस बात पर माने, क्यों उस वक्त खामोशी अख्तियार की गई? वो तो आजाद साहब ही कह सकते हैं, लेकिन देखिए आजाद साहब कैसे कायल हो गए या उन्होंने क्या कहा तो मैं तो जाहिर सी बात है मैं उस बातचीत में शामिल नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि उन्होंने क्या दलाइल दिए क्या इस्तदलाल दिया। लेकिन मैं मेरा ये मानना है कि अगर आसाम में इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दलाइल दिए? एक मिनट जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है क्योंकि ये जानना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। आज जिस मौकफ की आप वकालत कर रहे हैं क्या वजीर दाखला और वजीर आजम के सामने इसी मौकफ को रखा गया मीटिंग के अंदर? देखिए वहाँ मीटिंग में क्या मौकफ रखा गया, क्या बात हुई वो तो वो जानते हैं जो नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं मौकफ समझना चाहता हूँ, मैं किसी का नहीं समझना चाहता हूँ। मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ जानना चाहता हूँ। उस वक्त हमारा मौकफ यही था। देखिए मसूदी साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ जानना चाहता हूँ, मैंने किसी और पार्टी की बात ही नहीं करनी। मेरे सामने एक कद्दावर नेता है जो कानून को जानते हैं, जो आईन को समझ चुके हैं और 370 पर एक बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो रिप्रेजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे दो लोग, क्या उन्होंने वजीर आजम या वजीर दाखला के सामने कहा कि जिस डिलिमिटेशन को लेकर आप जा रहे हैं ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, इसको रोक लीजिए, अगर आप नहीं रोकते हैं तो हम आपके इस अमल में शामिल नहीं होंगे? देखिए दो बातें, देखिए जाहिर सी बात है जब उन्होंने ये कहा कि 5 अगस्त के फैसले गैर आईनी थे उसमें सब कुछ वो तो यहाँ तक करता है हर एक बात का जो भी दलाइल हमारे हैं।
जब हम कह रहे हैं कि 4 अगस्त 2019 की पोजिशन वो होनी चाहिए बहाल और 5 अगस्त गहराई में, वो तो उसमें सब कुछ आता है, वो तो हो। लेकिन उसके बाद मैंने कहा आपसे, मेरी गुजारिश ये है कि इस एक्ट में जाना है। अब अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज में कोई मौकफ हो जो हकाइक पर हो, जो पर हो, जो डेटा पर हो, कब तक आपकी उम्मीद क्या है, कब तक जा सकता है क्या कौन चीज, ये जो एक्ट की आप बात कर रहे हैं 5 अगस्त को जो लगाया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आप कह रहे हैं ये जाएगा, कब तक ये जा सकता है, आप कानूनी माहिर है, कब तक जा सकता है? देखिए गौर साहब, अगर हम एतवार करें बात का जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही गई वो ये थी कि हम स्टेट रेस्टोर करने जा रहे हैं, अगर 15 अगस्त को लाल किले पर की गई, हमें तो उसी पर एतवार है ना। और ये क्या है कि अभी भी वक्त नहीं है, आप कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है, 2 साल हो गए, बड़ी हमारी कामयाबियां होगी जो कि जमीनी तौर पर जिसकी नफी होती है, और ये एतराफ है जो आपने आल पार्टी लिखी की। देखिए वो एक साइड में रखे बात, बात ये है तो हम तो करेंगे ना उन्हीं की बात को एतवार, वजीर आजम कह रहे हैं, वजीर दाखिला कह रहे हैं, फिर नाराजगी किस बात की, फिर एतबार कीजिए ना कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद रियासत होगी, ये तो ट्वीट के अंदर सीधे है। तो बात ये है कि ये जो वो जो ऐसा वो मैं आपको कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि ये वो तो है ही नहीं ना, उन मुताबिक नहीं रखते उनके स्टैंड के साथ। देखिए जो पार्लियामेंट में कहा उससे तो 2 साल गुजर गए, पार्लियामेंट में अगर वादा किया तो क्या बचे हैं कि आप वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से आप कह रहे हैं कि सब डर किस चीज का है, नेशनल मसूदी साहब डर किस चीज का है? अगर आप वादा बंद है तो क्या बात है, आप इस पर जा रहे हैं जबकि आपको मालूम है कि जब आएगी तो ये नहीं। मसूदी साहब डर किस चीज का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन सी चीज सता रही है? देखिए आवाम का मफाद, आवाम का मफाद और दायमी अमन और कायम रहने वाला अमन और पायदार अमन, हमारा मंजिल तो पायदार अमन है। ये नहीं आप एडवोकेटिज्म कर रहे हैं, आप शॉर्टकट कर रहे हैं, क्या बात है शॉर्टकट कर रहे हैं, हम बनाए गए जी पहले हम पायदार अमन की जो बात है, ठीक है पायदार अमन होना चाहिए, इसके लिए हर कोई आज की तंजीम बहुत ज्यादा जरूरी है। 31 देखिए हम तो सियासी उपवास पर 1938 से है, बड़ी जंगें लड़ी हमने, बात यह है कि जो आपने वादा किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो तो पूरा कीजिए ना, जो जो लाल किले से किया वो तो पूरा कीजिए ना। हमारा देखिए हमारी मंजिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की दायमी पायदार अमन, जिसमें तैनूर दर की हो, हम तो मुल्क के साथ हैं, आईन के साथ, लेकिन आईन को तो समझो कि लड़ाई इस वक्त ये है। मसूदी साहब क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ, मसूदी साहब मैं ये समझ पा रहा हूँ लड़ाई जो मरकज के साथ वो ये है कि जनाब पहले स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए उसके बाद चुनाव कीजिए। देखिए हमारा देखिए पीपल्स अलायंस का मौकफ ये है कि आप 4 अगस्त रेस्टोर कीजिए। नहीं मैं पीपल्स अलायंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, हो जाएगी नहीं नहीं, या तो आप सब लोग पीपल्स अलायंस में आइए तो एक ही बात कीजिए। नहीं नहीं मसूदी साहब ये डबल क्रॉस आप कश्मीर के साथ खेल रहे हैं आज, नहीं नहीं एक बात आप कर रहे हैं पीपल्स अलायंस के बैनर तले, एक बात नेशनल कांग्रेस के बैनर तले हो रही है, जो 4 अगस्त का हिस्सा है, 4 अगस्त जनाब गौर साहब जब रेस्टोर हो जाएगा 4 अगस्त, उसके साथ ही सारी सब चीजें वापस, उसके बाद जो भी आपके कंसर्न पर बातचीत हो जाएगी। शाबाश, तो क्या मैं ये समझूं कि 4 अगस्त के रेस्टोर होने तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतजार करेगी, पॉलिटिकली बैठेगी? देखिए ये प्रोग्राम से प्रोग्राम, मीटिंग से मीटिंग की बात नहीं है, ये एक जिद्दत की बात है जो आवाम के हकूक के लिए जिद्दत है, और ये मुसलसल भी है, और इसके साथ वो पेशेंस और परसिस्टेंस से इस्तेकलाल के साथ सब्र के साथ हम करते रहेंगे। और हमारा हम आज भी हमने उसी चीज का इरादा किया, 2 दिन पहले तो आप भी यहाँ पर बड़बड़ हंसी, भाई वो नहीं आया ये नहीं मीटिंग नहीं, आज भी हमने यही वादा किया भाई हमारी मंजिल जो है वो 4 अगस्त है जो पीपुल्स अलायंस है उसके बाद। लेकिन अगर आप ये इलेक्शन वगैरह का काम कर रहे हैं तो कैसे होगा आपके वादे के मुताबिक स्टेट के बगैर इलेक्शन? देखिए आपने ही तो वादे किया स्टेट होगा, मसूदी साहब आप बड़े सीनियर हैं, आप ज्यादा समझ सकते हैं इस बात को, आप अफसरों के साथ बात करते हैं, दिल्ली आके वजीर दाखिला के साथ मिलते भी हैं, मूड क्या है? देखिए दिल्ली की मुझे हम मिले नहीं है, लेकिन उसी वक्त मिले जब प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने इंतबा किया कि आप छेड़छाड़ ना कीजिए जम्मू कश्मीर के तशद्दुद के साथ, भागना बड़ा महंगा पड़ेगा, मुल्क को महंगा पड़ेगा, हमें महंगा पड़ेगा, हमने उनसे इस्तदा की सब ठीक हो रहा है, यात्रा ठीक हो रही है, 5 लाख लोग जा रहे हैं और वो यात्रा मुमकिन बना रहे वहां के मुसलमान, आप ये ना कीजिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा और साहब मुझे मौका दीजिए ये बात कहने का, ये बात नहीं होती कि हमने मंशूर में ये रखा था, भाई आपका मंशूर आईन के कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो उसका मंशूर आईन से बाहर नहीं होता है, 370 आईन देता है,
आप ये नहीं कह सकते मेरा मंशूर है कि हम एक चीज को खत्म करेंगे जो आई से या फेडरलिज्म को खत्म करेंगे। हम हिंदी से आप मुझे बोलिएगा, अगर आपने यहाँ यूनियन टेरिटरीज बनाई, क्या आप कल पार्लियामेंट सारी स्टेट को 28 की 28 स्टेट को तकसीम कर सकती है और सारा पावर होम मिनिस्टर के पास आएगा या मर्जी जो मर्जी सरकार उसके पास आएगा? क्या यह मुमकिन है आप 28 की 28 स्टेट को फ्रेगमेंट करके यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर कहेंगे ये जी हमारा पावर है? क्या आपका अगर मंशूर भी होगा क्या वो उसकी इजाजत देता है? अगर वहां नहीं इजाजत देता तो कश्मीर में कैसे, जम्मू कश्मीर में कैसे इजाजत देता है? आप फ्रेगमेंट करें स्टेट को, फिर यही जवाब सारे मुल्क में कर सकते हैं। जिना बात यह है, जो गहराई नहीं वो गहराई नहीं है। आपका मंशूर था या मंशूर नहीं था वो अलग बात है, आपका मंशूर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अच्छा जी, मुझे आज जो ऐलानिया जारी हुआ गुपकार इत्तेहाद की तरफ से, मैं जरा गुपकार की अब आपसे बात करूं क्योंकि कल वाली मीटिंग में आप भी मौजूद थे। ये मायूस कुन लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मीटिंग इंतहाई मायूस कुन थी। ये मायूस कुन चेहरा मुझे उस दिन, पहले मेरी बात बात सुनिएगा, मैंने दिल्ली में एक एक लीडर को देखा है। नहीं नहीं, एक एक मिनट, एक मिनट, एटीएम के जो नतीजे थे वो नतीजे जो थे वो मायूस थे, जो एटीएम के नतीजे। कहा कि इत्तेहाद ने मीटिंग को, ठीक है, एक ही बात है ना, दो साल के बाद बुलाया था। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मसूदी साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बाहर आए, उन्होंने इस बात का भरमला इजहार नहीं किया कि मायूस कुन थी मीटिंग या मायूस कुन हुई, पर उम्मीद वो नजर आए। मुजफ्फर बेग साहब बाहर आए, पर उम्मीद नजर आए। महबूबा मुफ्ती बाहर आई, पर उम्मीद नजर आई। ये अचानक 5 दिन में क्या हुआ? गवर साहब मुझे इजाजत दीजिए एक बात। देखिए, हमने कहा एक खुशगवार इब्दा हुई, हमने कहा एक खुशगवार माहौल था, लेकिन नतीजे खुशगवार नहीं थे, किसी ने नहीं कहा था नतीजे खुशगवार। तो 5 दिन में आप क्या चाहते थे कि 5 दिन में क्या होना चाहिए था जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑल पार्टीज इत्तेहाद को यह लगता कि हम जो दिल्ली से आए हैं कुछ हो रहा है? बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को साहब को वो जो 14 लोग उन्होंने मधु किए थे वहाँ तकरीबन वो इसका इस्तेमाल करना था नए सीडीएम के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जो आपका एतमाद, आपकी एतमाद है वो बहाल करने, ऐसा कोई ऐलान करना चाहिए था। देखिए, वो किसी ने नहीं कहा आपसे, वो ये थोड़ी बात है कि वो इसको एक सिर्फ सुनने का माहौल बनाए। आप अगर इधर हो और उसके बाद आप ये अगर एतराफ किया, ये आपका एतराफ था 14 जो आपने आर पार्टी मीटिंग बुलाई कि नहीं जमीन पर मामला ठीक नहीं है। दूसरी बात है जो नरेटिव आपने बिल्डअप किया था, दो पार्टी, दो फैमिली, करप्शन, गैंग, वो सारा नरेटिव आपने खुद साफ किया। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, ये राया दुरुस्त है, लेकिन उसका फिर एक मुल्क को फायदा मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे बार बार कहता हूँ, 70 अरब रुपए साल को खर्च होते हैं LOC LAC पर और यहाँ पर अमन कायम करने में। इस पर हक है अवाम के, अवाम का, मुल्क के अवाम का, जिनको एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर की, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। मसूदी साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है ये माना जा रहा है कि दरअसल मैडम महबूबा का एक प्रेशर है जिसने PAGD को इस कदम पर मजबूर किया उठाने के लिए कि बयान सामने आया है। किस हद तक इस बात को सही माने? नजर रखते हैं, हम मुतिद हैं, ये हमने आपको दिखाया कल, मुतिद हैं, मुतफिक हैं, मुस्तकम हैं, हमारा इरादा बिल्कुल मजबूत है। वो ये है कि जिसका वादा फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था, देखिए आप जानते हैं कि जो वादे किए थे उन्होंने, हमने जब आईन बनाया था यहाँ का, आप जानते होंगे, सारे मुल्क ने मुबारकबाद दी थी, स्पीकर लोकसभा ने मुबारकबाद दी जम्मू कश्मीर को, भाई आपने आईन अपना बनाया। जब इब्दा की थी 5 नवंबर को, उस दिन भी मुबारक दी, बुरादी भाई ने दी थी, SB चौहान ने दी थी, YB चौहान ने दी, सब ने मुबारकबाद दी, सारे मुल्क ने मिल मिला के, सारे उतरा आला ने जम्मू कश्मीर को आपने आईन बनाया। तो उसी आईन को आप आज कहते हैं कि वो आईन ही, आप जरा देखिए अपने आप कैसे नफी कर रहे हैं अपने, ये हमने कहीं से लाया नहीं आया था, युवराज ने, डॉक्टर करण सिंह ने किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का। और मसूदी साहब क्या मैं आखिर पर ये मानूं कि यादें माजी बड़ी अजाब है यार, अब छीन ले कुव्वत हाफिजा मेरा, अगर गुफ्तगू हुई तो बड़े सवालों का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस दे नहीं पाएगी। मुस्तकबिल हमारा है, हमारी जिद्दत जो है पूरा मुल्क है आईन के दायरे में है और मुल्क के मफाद में है, वो कामयाब होगी। अभी बच गए जनाब 10 मिनट कम 6, लेकिन अभी तक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पत्ते खोले नहीं कि जाएगी या नहीं जाएगी। एक तरफ से जमहूरियत का दावा भी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ रहना भी है, वजीर अजम को नाखुश भी नहीं करना है, लेकिन बताता नहीं है कोई कि कल जाना है नहीं जाना है। देखिए गौर साहब, कल शाम भी आपका यही था जब हम वहां से निकलाए, भाई पते नहीं खुल रही है, लेकिन पते खुल गए और आप भी उससे खुश है। अरे खुश है कि एक अच्छा बिल्कुल गैर मुबम
ऐलानिया हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी हसनैन मसूदी साहब वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। जनाब जम्मू कश्मीर की बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और स्पेशली तब जब कल से मिशन कश्मीर हो, और बात क्या कुछ है आपके सामने हमने रखने की कोशिश